नमस्कार प्यारे बच्चों एकेडमिक ज्ञान सेतु से मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और जैसा कि आप लोगों को पता है ये सीरीज बारहवीं कक्षा की भूगोल के विद्यार्थियों के लिए है जिसमें मानव भूगोल के मूल सिद्धांत नामक पुस्तक के छठे अध्याय जिसका नाम है द्वितीय क्रियाएँ तो द्वितीय क्रियाओं का ये आखिरी पार्ट है इसी पार्ट के साथ ये अध्याय समाप्त हो जाएगा आप लोग इसके पहले के वीडियोस देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से वहाँ तक पहुँच सकते हैं उनको जरूर देखिए तभी ये आपको पूरी तरीके से इससे लाभ मिलेगा तो चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और अध्ययन करना शुरू करते हैं देखिए अभी तक हम लोगों ने इसके पहले दूसरे वीडियो में पहले वीडियो में तो हमने उद्योगों की अवस्थिति के बारे में देखा था और दूसरे वीडियो में हमने जो है वर्गीकरण के दो आधार देखे थे जिसमें हम लोगों ने आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण देखा था और कच्चे माल के आधार पर तो इस तरीके से हमने इसके पहले वाले सेकंड पार्ट में इनका अध्ययन कर लिया है उसे आप वहां पर जाकर के उसका अध्ययन करिए अब हम लोग यहाँ पर जो अध्ययन करेंगे उसमें उत्पाद के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण यहाँ पर देखेंगे जिसमें उत्पाद के आधार पर मूलभूत उद्योग और उपभोक्ता सामान दो प्रकार के उद्योगों का यहाँ पर कैटेगरी किया गया है जिसमें लव इस्पात उद्योग है मूलभूत उद्योग और उपभोक्ता में बिस्कुट वस्त्र वाहन जैसे उद्योग आते हैं और स्वामित्व के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और निजी क्षेत्र के और संयुक्त क्षेत्र के यानी सार्वजनिक और निजी दोनों मिलाकर के संयुक्त क्षेत्र के उद्यम इसके अंतर्गत आते हैं तो इसको हम लोग शुरू करते हैं तो उत्पाद या उत्पादन आधारित उद्योग पहला है हमारा डिवीजन आपने कुछ मशीनें एवं औजार देखे होंगे जिनके निर्माण में लौह इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है आप लोगों ने कुछ मशीनें और औजार देखे होंगे जिनके निर्माण में लौह इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है ठीक है लौह इस्पात स्वयं में एक उद्योग है लौह इस्पात एक उद्योग है लेकिन वहां से निर्मित पदार्थ दूसरे उद्योगों के लिए वो क्या है आधारभूत उद्योग होता है तो वह उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है उन्हें आधारभूत आधारभूत उद्योग कहते हैं जैसे मशीनरी मशीनरी का निर्माण हो गया मशीनरी क्या करती है फिर किसी उद्योग के लिए काम में आती है वहां पर निर्माण का कार्य करती है तो इस प्रकार से मशीनरी क्या होगी आधारभूत उद्योग होगी अब यहां पर आप देखिए क्या आप इस कड़ी को पहचान सकते हैं जैसे लौह इस्पात लौह इस्पात क्या हो गया आधारभूत उद्योग हो गया फिर वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें अब लौह इस्पात से वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें बनाई गई और उन मशीनों से उपभोक्ता के उपभोग हित कपड़ा बनाया गया तो एक सीरियल बन जाता है ठीक है उपभोक्ता वस्तु उद्योग के ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिया जाता है और दूसरा है पहला हमने आधारभूत उद्योग देखा दूसरा है उपभोक्ता वस्तु उद्योग तो इसमें ऐसे सामान का उत्पादन किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिया जाता है उदाहरण के तौर पर जैसे रोटी यानी ब्रेड बिस्कुट चाय साबुन लिखने के लिए कागज टेलीविजन श्रृंगार का सामान आदि जो है ये सब क्या है उपभोक्ता वस्तुएं हैं इनका उत्पादन करने वाले उद्योगों को उपभोक्ता माल बनाने वाले अथवा गैर आधारभूत उद्योग भी क्या जाता है देखिए दूसरा गैर आधारभूत हमको यहां पर मिल गया पहला क्या था आधारभूत उद्योग और दूसरा गैर आधारभूत तो गैर आधारभूत उद्योग ऐसे होते हैं जो सीधे उपभोक्ताओं के उपयोग में आने वाली वस्तुएं होती हैं ठीक अब दूसरा है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का कैटेगरी यहां पर देखेंगे तो इसको तीन भागों में बांटा गया पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जो होते हैं सरकार के अधीन होते हैं भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन है आप लोग दो किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए ठीक है समाजवादी देशों में भी अनेक उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं समाजवादी देशों में ज्यादातर इस कंसेप्ट ही था समाजवादी देशों का समाज का पूरा अधिकार समाज का अधिकार यानी सरकार का अधिकार और मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं निजी अर्थ जैसे कि हमारा मिश्रित अर्थ भारत कैसी अर्थव्यवस्था है तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो मिश्रित का मतलब हो गया यहाँ पर निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के स्वामित्व वाले जो है उद्योग पाए जाते हैं निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है और दूसरा है निजी क्षेत्र का उद्योग तो निजी क्षेत्र का उद्योग निजी का मतलब होगा किसी व्यक्ति का उस पर अधिकार होगा कोई व्यक्ति जो है अपनी पूंजी लगा करके उस उद्योग को संचालित कर रहा होगा ये निजी संगठनों द्वारा संचालित होते हैं अब जरूरी नहीं कि एक निजी व्यक्ति स्वयं चलाए जैसे आप रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करिए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो है मुकेश अंबानी उसके मुखिया हैं लेकिन वो सिर्फ जो है अकेले संगठन को अकेले उस उद्योग को चलाने वाले व्यक्ति नहीं है उस कंपनी को बल्कि एक संगठन है उस संगठन में बहुत सारे लोग काम करते हैं और बहुत सारे लोगों की उसमें पूंजी लगी हुई है किसी न किसी रूप में ठीक है शेयर्स के रूप में तो इस तरीके से संगठन द्वारा संचालित होते हैं पूंजीवादी देशों में अधिकतर उद्योग निजी क्षेत्रों में होते हैं यहाँ पर प्रश्न आता है तो निजी क्षेत्र के उद्योग ज़्यादातर कहाँ होते हैं पूंजीवादी देशों में जैसे अमेरिका हो गया आपका यूरोप के तमाम देश हो गए वहां पर निजी क्षेत्र के उद्योग ज़्यादा संचालित होते हैं और संयुक्त क्षेत्र के तीसरा उद्योग है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग इसका संचालन संयुक्त कंपनी के द्वारा या किसी निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयासों से किया जाता है मतलब इसमें निजी और सार्वजनिक सरकार और निजी भागीदारी दोनों मिलकर के काम करती है जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक कंसेप्ट है पी पी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी ये, ये कैसे हुए संयुक्त उद्यम हो गए संयुक्त उद्यम जैसे कि बहुत सारे रोड कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं उसमें तीन मतलब निजी कंपनियां भी काम करती हैं सरकार भी उसमें इन्वॉल्व होती है तो इस प्रकार से ये क्या हो गए संयुक्त उद्यम हो गए क्या आप इस प्रकार के उद्योगों की सूची बना सकते हैं तो आप लोगों को जैसा कि मैंने एक उदाहरण दिया इसी प्रकार से आप ऐसे संयुक्त उद्यमों की सूची बनाइए तीन चार नाम आप कमेंट में अवश्य लिखिए परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश ये तो हमने अभी पीछे क्या देख लिया उद्योगों का जो है वर्गीकरण अब हम देखेंगे परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश अब हम औद्योगिक प्रदेशों की यहाँ पर बात करेंगे कि विश्व में औद्योगिक प्रदेश कहाँ कहाँ पर किस प्रकार के औद्योगिक प्रदेश हैं तो ये भारी उद्योग के क्षेत्र होते हैं परंपरागत यानी कि जो पहले से ही परंपरा से चले आ रहे हैं ये भारी उद्योग के क्षेत्र होते हैं जिसमें कोयला खदानों के समीप स्थित धातु पिघलाने वाले उद्योग अब कोयला चूंकि उस समय परंपरागत है तो पहले शक्ति का साधन क्या था कोयला था मुख्य रूप से तो कोयला मतलब शक्ति से चलने वाले जो उद्योग थे वो कोयला के समीप स्थापित होते थे तो धातु पिघलाने वाले उद्योग धातु को पिघलाने के लिए कोयले की आवश्यकता होती थी उस समय और भारी इंजीनियरिंग रसायन निर्माण वस्त्र उत्पादन इत्यादि का कार्य किया जाता है इन्हें धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहा जाता है क्योंकि ऐसे उद्योगों में धुआं बहुत ज्यादा निकलता है इसीलिए इसको धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहा जाता है परंपरागत औद्योगिक प्रदेशों के निम्न पहचान बिंदु हैं कौन कौन से हैं देखते हैं हम लोग निर्माण उद्योगों में रोजगार का अनुपात ऊंचा होता है यहाँ पर लोगों को अधिक रोजगार मिला होता है क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का अभाव होता है इतना टेक्नोलॉजी इतनी अधिक नहीं होती उच्च ग्रह घनत्व तो जिसमें घर घटिया प्रकार के होते हैं एवं सेवाएं अपर्याप्त होती हैं यहाँ पर जो औद्योगिक संस्थान होते हैं जो उनके संरचना होती है बिल्डिंग की वो बहुत घटिया किस्म की होती है ठीक है और वातावरण अनाकर्षक होता है यहाँ पर चारों तरफ धुंध ही धुएँ धुएँ जैसा दिखाई देता है तो वातावरण अनाकर्षक होता है जिसमें गंदगी के ढेर व प्रदूषण होता है यानी उद्योगों से निर्मित जो कचरा कूड़ा है वो सब अगल बगल में डाल दिया जाता है जिससे कि बड़ा ही गंदा माहौल दिखाई देता है आप कानपुर में चले जाइए जो है कानपुर के शहर के बाहर तो देखिए बहुत गंदा सा शहर दिखाई देता है तो इस प्रकार से वहाँ पर जो है परंपरागत उद्योग कहीं ना कहीं आज भी फल फूल रहे हैं बेरोजगारी की समस्या की जो है यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या होती है उत्प्रवास उत्प्रवास मतलब यहाँ से व्यक्तियों का पलायन जारी रहता है विश्वव्यापी मांग कम होने से कारखाने बंद होने के कारण प्रत्यक्ष भूमि का क्षेत्र अब मांग चूंकि ऐसे उद्योगों से निर्मित वस्तुओं की मांग धीरे धीरे विश्वव्यापी कम होती जा रही तो इसलिए ऐसे उद्योग धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं आप कानपुर में चले जाइए वहाँ देखिए जैसे कि टाट मिल वगैरह ये सब बंद हो गए हैं तो ऐसे खंडहर हो चुके हैं उनके बिल्डिंग्स तो ये सब इसकी पहचान है अब दूसरा औद्योगिक प्रदेश हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक मुख्य है जर्मनी का रूर कोयला क्षेत्र जर्मनी का रूर यहाँ यहाँ पे विश्व के सभी औद्योगिक प्रदेशों की चर्चा नहीं की जाएगी जो मुख्य मुख्य टॉपिक है एनसीईआरटी ने उसको यहाँ पे डिनोट किया है जैसे जर्मनी अब रूर कोयला क्षेत्र कहाँ पर है जर्मनी अब यहाँ पे कंपटीशन में या फिर आप लोगों की बोर्ड परीक्षाओं में टिक लगाने के लिए आ जाएगा रूर कोयला क्षेत्र या रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ स्थित है तो ऑप्शन में दिया जाएगा फ्रांस जर्मनी इंग्लैंड तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है जर्मनी में ये लंबे समय से यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश रहा है रूर प्रदेश जर्मनी का बहुत लंबे समय से प्रदेश रहा है औद्योगिक यहाँ से कोयला लोहा इस्पात यहाँ अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रहा है क्योंकि यहीं कोयला भी मिलता है लोहा इस्पात भी मिलता है लोह भी मिलता है तो ये इसका प्रमुख आधार रहा है कोयले की मांग में कमी आने के कारण उद्योग संकुचित होने लगा है यहाँ लौह अयस समाप्त होने पर भी जलमार्ग से आयातित अयस का प्रयोग करके उद्योग कार्यशील है यहाँ का जो है लोहा समाप्त हो गया है लेकिन आसपास के क्षेत्रों से जलमार्ग से लोहे को आयात करके यहाँ पर उद्योग अभी भी संचालित किए जा रहे हैं जर्मनी के इस्पात उत्पादन का 80 परसेंट रूढ़ से प्राप्त होता है 80 परसेंट जो इस्पात है कहाँ से प्राप्त होता है रूर औद्योगिक प्रदेश से प्राप्त होता है जर्मनी का औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन के कारण कुछ क्षेत्रों के उत्पादन में गिरावट आई है अब औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन हुआ है आज के समय में एआई का जमाना है हमने जैसा कि बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है तो वैसे औद्योगिक ढांचे अब चरमराने लगे हैं इन इनकी पूंछ खत्म होने लगी है तो इसके कारण इसमें गिरावट आई है उत्पादन में एवं प्रदूषण व औद्योगिक अवशिष्ट की समस्या भी होने लगी है अब प्रदूषण की भी समस्या होने लगी है अब रूर के भविष्य की संपन्नता कोयले व इस्पात के बजाय नए उद्योग जैसे ओपेल कार बनाने का विशाल कारखाना नए रासायनिक संयंत्र विश्वविद्यालय इत्यादि पर आधारित है अब रूर क्षेत्र में नए औद्योगिक संगठन स्थापित हो रहे हैं जैसे विश्वविद्यालय बन खुल रहे हैं इसके अलावा रासायनिक उद्योगों का जो है वहां पर उसकी स्थापना हो रही है यहाँ खरीदारी के बड़े बड़े बाजार बन गए हैं क्योंकि ऐसे औद्योगिक प्रदेशों में बहुत सारे लेबर्स रहते हैं और उनकी फैमिली रहती है तो यहाँ पर जो है खरीदारी के बहुत सारे प्रतिष्ठान भी खुलते जा रहे हैं जिससे एक नए रूर शहर भूदृश विकसित हो रहा है एक नया रूर शहर यहाँ पर विकसित हो रहा है लौह इस्पात उद्योग को भी हम लोग यहाँ अध्ययन कर लेते हैं लौह इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार है सभी उद्योगों का आधार कौन सा उद्योग है लौह इस्पात उद्योग इसीलिए इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है इसीलिए इसको लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है टिक लगाने के लिए आएगा निम्न में से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है तो आप क्या लगाओगे लौह इस्पात उद्योग यह आधारभूत इसलिए है क्योंकि ये अन्य उद्योगों जैसे कि मशीन एवं औजार जो आगे उत्पादों के लिए प्रयोग में किए जाते हैं को कच्चा माल प्रदान करते हैं भाई मशीन वसीन बनाने के लिए जो है लोहे की आवश्यकता होती है तो लोहा जो है कहाँ से मिलता है लौह इस्पात उद्योग से मिलता है इसीलिए ये जो है इसीलिए इनको आधारभूत उद्योग कहा जाता है इसे भारी उद्योग भी कहते हैं अब लौह इस्पात उद्योग को भारी उद्योग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है एवं इसके उत्पाद भी भारी होते हैं भाई कच्चा माल भी भारी भरकम होता है और बने हुए जो उत्पाद हैं लोहे की सीट है लोहे की छड़े हैं सरिया हैं सब भी भारी होते हैं तो इसीलिए इसको भारी उत्पाद भारी उद्योग कहा जाता है लोहा निकालने के लिए लोहे को झोंका भट्टियों में कार्बन एवं चूना पत्थर के साथ प्रगलन किया जाता है अब देखिए लोहा निकालने के लिए लोहे इस्पात उद्योग का काम क्या है कि कच्चे लोहे से लोहा निकालना तो कच्चे लोहे से लोहा निकालने के लिए क्या करते हैं इनको भट्टियों में झोंकते हैं जहां से कार्बन और चूना पत्थर के साथ इसको गलाया जाता है और गला करके उससे पिघला हुआ लौ प्राप्त किया जाता है तो पिघला हुआ लौ बाहर निकलता है जो ठंडा हो जाता है तो उसे कच्चा लोहा कहते हैं जब पिघला हुआ लोहा लौ तो मतलब इन अपशिष्टों से निकलकर बाहर आता है फिर ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो उससे कच्चा लोहा प्राप्त होता है इसी कच्चे लोहे में मैग्नीज मिलाकर इसको इस्पात बनाया जाता है अब देखिए इस्पात का इस्पात का निर्माण कैसे किया जाता है तो, तो कच्चे लोहे में क्या मिलाया जाता है मैग्नीज ये ध्यान रखना कच्चे लोहे में जिंक नहीं मिलाया जाता है बल्कि क्या मिलाया जाता है मैग्नीज तो मैग्नीज मिलाकर के कच्चे लोहे में क्या बनाया जाता है इस्पात बनाया जाता है ये ध्यान रखना <गेगे> परंपरागत रूप से बड़े उद्योग बड़े इस्पात उद्योग की स्थिति कच्चे माल के स्रोत के समीप ही रही है अब परंपरागत बड़े उद्योग ये कच्चे माल के समीप ही इनकी स्थापना हुई है जैसे कि जहां लॉयस कोयला मैग्नीज और चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध हो हो जाते हैं देखिए जो लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल कौन कौन से हैं एक तो लौह अयस्क हो गया पहला दूसरा कोयला हो गया सक मतलब कोयले से ही तो इसको जलाते हैं और तीसरा मैगनीज हो गया मैगनीज डाल करके कच्चे लोहे में क्या बनाते हैं इस्पात बनाते हैं और चूना पत्थर तो इनके साथ ये कच्चे माल हैं जहां पर इनकी प्राप्ति होती वहीं पर परंपरागत लौह इस्पात उद्योगों की स्थापना पहले हुई थी ऐसे स्थानों पर ही अवस्थित हो सकता है जहां कच्चा माल आसानी से पहुंचाया जा सके हमने एक त्रिभुज के माध्यम से बताया था कि इस तरीके से दो कच्चा माल है और एक बाजार है अब कच्चा माल अगर भारी वाला है तो कच्चे माल के स्रोत पर जो है यहां पर कहीं उद्योग स्थापित होगा ठीक है तो इस तरीके से लोहा इस्पात उद्योग कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थापित होता है जैसा कि वेवर ने बताया था आपने जो है अवस्थितिक सिद्धांत में त्रिभुजी अवस्थितिक सिद्धांत में परंतु छोटे इस्पात कारखाने जिनका निर्माण प्रचालन कम महंगा है की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की अपेक्षा जो है बाजार की आवश्यकता होती कच्चे माल की अपेक्षा बाजार की समीपता अधिक होती तो देखिए जो छोटे इस्पात कारखाने आजकल तो स्क्रैप लोहे पर भी छोटे इस्पात के कारखाने चल रहे हैं शहरों में बहुत सारे छोटे बड़े शहरों में इस संचालित हो रहे हैं स्क्रैप लोहा कौन सा होता है जैसे कबाड़ी हमारे घर से जो अवशिष्ट लोहा है उसको खरीद कर ले जाता है तो इसको गला करके जो लोहा बनाया जाता है ठीक है तो ऐसी इकाइयां जो है आपको अब आप कई जगह दिखाई देने देंगी तो इनकी अवस्थिति के लिए क्या है बाजार जो है बाजार की समीपता महत्वपूर्ण है क्योंकि कच्चे माल के रूप में रद्दी धातु बाजार में से उपलब्ध हो जाती है परंपरागत रूप से अधिकतर इस्पात का उत्पादन विशाल संगठित संयंत्रों द्वारा ही किया जाता है पर आप छोटे इस्पात संयंत्र जिनमें केवल एक प्रक्रिया इस्पात निर्माण होता है अधिक लगने लगा है वही चीज हमने बताया अब अगर लौह इस्पात उद्योग के वितरण की बात करें तो ये जटिल उद्योग है ये कैसा उद्योग है जटिल उद्योग है इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है पूंजी अधिक चाहिए इसके लिए तथा उत्तरी अमेरिका यूरोप एवं एशिया के विकसित देशों में इसका केंद्रीकरण हुआ है कहाँ पर केंद्रीकरण हुआ है चूंकि ये पूंजीवादी देश हैं तो यहाँ पर इनका केंद्रीकरण अधिक हुआ है उत्तरी अमेरिका यूरोप और एशिया के विकसित देशों में जैसा कि जो है जापान वगैरह में संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात का उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में कहाँ कहाँ इसका उत्पादन होता देख लेते हैं उत्तर अपलेशियन प्रदेश पिट्सबर्ग पिट्सबर्ग कहाँ है संयुक्त राज्य अमेरिका में है उत्तर अपलेशियन प्रदेश महान झील क्षेत्र हमने बताया जो झील क्षेत्र है वहां पर शिकागो गैरी इरी क्लीवलैंड लॉरेल बफेलो ये सब क्या है लौह इस्पात उद्योग क्षेत्र हैं शहर हैं तथा एटलांटिक तट पे स्पैरोज पॉइंट एवं मोरिस विले ये सब कहाँ पर हैं यूएसए में हैं इनके अटलांटिक तट यानी स्पेरोज पॉइंट मोसिबले इनके अतिरिक्त इस उद्योग का विस्तार दक्षिणी राज्य में भी दक्षिणी राज्य जो संयुक्त राज्य अमेरिका का ये देखिए छोटा सा नक्शा में बनाने की कोशिश कर रहा हूं अमेरिका का तो ये अलाबामा वाला क्षेत्र है अलावा भी, भी पीटर्सबर्ग क्षेत्र का महत्व अब तो घट गया है पीटर्सबर्ग में पहले बहुत अधिक महत्वपूर्ण था ये क्षेत्र जो है अब इसका महत्व घट गया है इस क्षेत्र को जंग का कटोरा कहा जाता है पीटर्सबर्ग को क्या कहा जाता है जंग का कटोरा कहा जाता है क्योंकि अब यहां पर उत्पादन नहीं होता लवेस का तो इसे जंग का कटोरा कहा जाता है यूरोप में जो है कहां कहां ग्रेट ब्रिटेन जर्मनी बेल्जियम लग्जमबर्ग नीदरलैंड एवं सोवियत रूस इसके मुख्य उत्पादक हैं यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन में जो है बर्मिंगहम ग्रेट ब्रिटेन में कौन सा क्षेत्र बर्मिंगहम एवं सैफील्ड जर्मनी में और डुसबर्ग है डोरटमुंड है और डुस दुष, डुसडोर्फ है ये सब कहाँ है एसन है सब जर्मनी में फ्रांस में ली क्रियोसोट सेंट एंट सेंट इटिनी सोवियत रूस में मास्को सेंट पीटर्सबर्ग लिपेस्टस्क तुला ये सब कहाँ है जो है संयुक्त रसिया में है रूस में है और यूक्रोन यूक्रेन में क्रिवेरॉग डोनेस्क ये सब प्रमुख इस्पात उद्योग हैं ठीक है और एशिया महाद्वीप की अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप में जो है जापान में नागासाकी एम टोक्यो नागासाकी एम टोक्यो इस्पात उद्योग सेंटर है याकूह चीन में संघाई तंस्तिन वुहान उहान, जहां से अभी कौन सा वायरस आया था अभी जो वायरस चल रहा है कोरोना तो वुहान शहर से आया था तो वुहान में लौह इस्पात उद्योग कारखाने एवं भारत में जमशेदपुर कुल्टी बुरहानपुर दुर्गापुर राउर केला भिलाई बोकारो सलेम विशाखापट्टनम भद्रावती ये सब प्रमुख क्या है लौह इस्पात केंद्र हैं भारत के उपयुक्त सभी केंद्रों को अपने एटलस में देखिए एटलस के माध्यम से इनको आप देखिए दूसरा है सूती कपड़ा उद्योग तो सूती कपड़ा उद्योग इस उद्योग में सूती कपड़े का निर्माण हथकरघा बिजली करघा एवं कारखानों में किया जाता है सब पहले जो है परंपरागत विधि थी हथकरघा और अब बिजली करघा और कारखाने में इस सूती कपड़े का उत्पादन किया जाता है हथकरघा क्षेत्र में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है एवं ये, ये अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है अर्धकुशल श्रमिकों को ये रोजगार प्रदान करता है पूंजी की आवश्यकता भी इसमें कम होती है इसमें पूंजी की आवश्यकता कम होती क्योंकि इसमें हथकरवे करने में क्या है जो है व्यक्ति लग करके अपना काम करता है इसलिए मशीनों की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा इसलिए पूंजी की कम आवश्यकता होती स्वतंत्रता के आंदोलन में गांधी जी ने खादी के उपयोग पर क्यों बल दिया था इसीलिए दिया था क्योंकि पूंजी की कमी थी और मतलब रोजगार नहीं था लोग लो जो है बेरोजगार थे लोगों की संख्या अधिक थी तो अधिक लोगों को रोजगार मिल सके इसीलिए खादी वस्त्र के उत्पादन पर अधिक जोर दिया था इसके अंतर्गत सूत की कताई बुनाई आदि का कार्य किया जाता है और बिजली करघे की अगर बात करें तो बिजली करघों से बिजली करघों से कपड़ा बनाने में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है अतः इसमें श्रमिकों की कम आवश्यकता पड़ती है एवं उत्पादन भी अधिक होता है बिजली करघा में बिजली से चलने वाले करघे होते हैं तो इसमें श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है और जो है इस पूंजी भी अधिक चाहिए कारखानों में कपड़ा बनाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है परंतु इसमें अच्छे प्रकार के कपड़े का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है क्योंकि पर जो है है मशीनों द्वारा कपड़ा का निर्माण होता इसलिए अच्छी क्वालिटी के कपड़े बनते हैं सूती वस्त्र उद्योग वस्त्र निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में अच्छी किस्म की कपास चाहिए अच्छे किस्म के कपास चाहिए सूती वस्त्र के निर्माण में विश्व के पचास से अधिक कपास का उत्पादन भारत चीन संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान उजबेकिस्तान में मिस्र में किया जाता है यानी विश्व के पचास प्रतिशत से अधिक जो है कपड़ों कपास का उत्पादन कहा होता है भारत चीन यूएसए पाकिस्तान उज्बेकिस्तान और मिस्र में ग्रेट ब्रिटेन उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देश एवं जापान भी आयातित धागे से सूती कपड़े का उत्पादन करते हैं ये धागे से जो है सूती कपड़े का उत्पादन करते हैं कौन कौन ब्रिटेन उत्तर पश्चिमी यूरोप के देश और जापान अकेला यूरोप विश्व का लगभग आधा कपास आयात करता है यानी आधा कपास विश्व का अकेला यूरोप आयात करता है वर्तमान में इस उद्योग को कृत्रिम रेशे से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है अब आ, सूती कपड़ा कौन पहनता है भाई कृत्रिम रेशे बहुत आ गए हैं इसलिए सूती वस्त्र उद्योग अब जो है आ, इनको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है कृत्रिम रेशे को कपड़ों से जिनके कारण अनेक देशों में इस, इसमें नकारात्मक प्रवृत्ति भी देखी जा रही है वैज्ञानिक प्रगति एवं तकनीकी सुधारों से उद्योगों की संरचना में परिवर्तन होता है उदाहरण के तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर सत्तर के दशक तक जर्मनी ने इस उद्योग में काफ़ी प्रगति की पर अब इसके उत्पादन में कमी आ रही है यह उद्योग उन कम विकसित देशों में स्थानांतरित हो गया जहां श्रम लागत कम है अब इस प्रकार की वैज्ञानिक प्रगति होने के कारण अब यूरोप जैसे देशों में इसके उत्पादन पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है तो अब ऐसे उद्योग जो है कम विकसित क्षेत्रों में जो है इसका स्थानांतरण हो रहा होता जा रहा है अब नेक्स्ट हम बात करेंगे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की, की संकल्पना आज के समय में हाई टेक्नोलॉजी वाले उद्योग की ज़्यादा जो है मांग है तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं निर्माण क्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी नवीनतम पीढ़ी है अभी नवीनतम पीढ़ी है इसमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का उत्पादकों का निर्माण गहन शोध एवं विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है यानी बहुत शोध पर आधारित जो है उद्योग हैं संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग व्यवसायिक सफेद कॉलर श्रमिकों सफेद कॉलर यानी व्यवसायिक श्रमिक जो होते हैं उन पर निर्भर करता है ये उच्च दक्ष ये ऐसे श्रमिक क्या होते हैं उच्च दक्ष एवं विशिष्ट व्यवसायिक श्रमिक होते हैं वास्तविक उत्पादन नीला कॉलर श्रमिकों से संख्या में अधिक होते हैं नीला कॉलर से इनकी संख्या व्हाइट कॉलर की श्रमिकों की संख्या अधिक होती है बहुत दक्ष होते हैं कुशल होते हैं उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में यंत्र मानव यानी कि यंत्र मानव जो रोबोट वगैरह है कंप्यूटर आधारित डिजाइन कैड तथा निर्माण धातु पिघलाने एवं शोधन के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण एवं नए रासायनिक व औषधीय उत्पाद प्रमुख स्थान रखते हैं इसमें इस भूदृश्य में विशाल भवनों कारखानों एवं भंडार क्षेत्रों के स्थान पर आधुनिक नीचे साफ सुथरे बिखरे कार्यालय एवं प्रयोगशालाएं देखने को मिलती हैं इस समय जो भी प्रादेशिक व स्थानीय विकास की योजनाएं बन रही हैं उनमें नियोजित व्यवसाय पार्क का निर्माण किया जा रहा है जिस प्रकार से जैसे आप देख लीजिए नोएडा वगैरह है तो नोएडा वगैरह इसी कंसेप्ट इसका विकास हो रहा है ऐसे भूदृश्य जो है बन रहे हैं वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित है आत्मनिर्भर एवं उच्च विशेषता लिए होते हैं उन्हें प्रौद्योगिक ध्रुव कहा जाता है इन्हें प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजिकल पोल्स किसको कहते हैं जहां पर अः उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योगों का एक संकेंद्रण होता है तो उसको क्या कहते हैं प्रौद्योगिक ध्रुव अब ये भारत में अगर बात करें तो जैसे उच्च टेक्नोलॉजी वाले उद्योग कहाँ हैं ग्रेटर नोएडा वगैरह में है सैन फ्रांसिस्को के समीप सिटी सिलिकॉन घाटी सिलिकॉन वैली एवं सिएटल के समीप सिलिकॉन वन प्रौद्योगिक ध्रुव के अच्छे उदाहरण अगर विश्व में बात करें तो सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका में है वहां पर सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन वैली है सिएटल के समीप सिलिकॉन वन औद्योगिक प्रदेश है ये ध्रुव प्रौद्योगिक ध्रुव के अच्छे उदाहरण है टेक्नोलॉजिकल पोल्स के क्या भारत में कुछ प्रौद्योगिक ध्रुव विकसित हो रहे हैं बिल्कुल है, विकसित हो रहे हैं भारत में भी सिलिकॉन घाटी विकसित हो रही है ठीक है जहाँ पर जो है अच्छे किस्म के जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये सब बनाए जाते हैं विश्व अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग का बड़ा योगदान है किसका योगदान है लौह इस्पात वस्त्र मोटरगाड़ी निर्माण पेट्रोल रसायन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग हैं ठीक है थीके? तो इस तरीके से हमारा ये जो है चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है हम लोग कुछ प्रश्न हल करेंगे नीचे दिए गए ये बहुविकल्पीय प्रश्न नीचे दिए गए चार विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए पहला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है असत्य कथन हमें छाटना है पहला हुगली के सहारे जूट के कारखाने सही सस्ती जल यातायात सुविधा के कारण स्थापित हुए हैं बिल्कुल सही है ये और चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है बिल्कुल गलत है तो यही वाला हो जाएगा खा वाला हो जाएगा हमने पढ़ा था स्वच्छंद उद्योग कौन से उद्योग होते हैं जो कच्चे माल पर आधारित नहीं होते लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे कच्चे माल की बात कर रहा है तो ये गलत हो जाएगा और गांव वाला भी देख लेते हैं खनिज तेल में जल विद्युत शक्ति के विकास ने उद्योगों की अवस्थिति कारक के रूप में कोयला शक्ति के महत्व को कम किया है बिल्कुल कम कर दिया है और घा वाला पत्तन नगरों ने भारत में उद्योगों को आकर्षित किया है पत्तन नगर भारत में पत्तन नगर कौन से जैसे कि आपका कोलकाता हो गया हुगली हो गया और इसी प्रकार से आपका मुंबई और सूरत ये सब पत्तन नगर हैं तो इसके कारण क्या है कि बहुत सारे उद्योग वहाँ पर आकर्षित हुए विकसित हुए हैं दूसरा निम्न में से कौन सी अर्थव्यव एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व स्वामित्व व्यक्ति व्यक्तिगत होता है यानी व्यक्तिगत स्वामित्व वाला उत्पाद कौन सा यहाँ पर वो जो है हो, वो होगा तो पूंजीवाद सीधे पहला ही ऑप्शन मिल गया पूंजीवाद में व्यक्तिगत स्वामित्व का उत्पादन अधिक होता है मिश्रित में जैसा कि हमने बताया व्यक्तिगत और सरकारी यानी सार्वजनिक दोनों होता है समाजवाद में ज़्यादातर सार्वजनिक होता है तीसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है कुटीर उद्योग बिल्कुल नहीं छोटे पैमाने के उद्योग नहीं आधारभूत उद्योग यही गांव वाला हो जाएगा जो कि अन्य उद्योगों के लिए, लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है चौथा निम्न में से कौन सा एक जोड़ा मेल खाता है कौन सा एक जोड़ा मेल खाता है स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजलिस गलत है पोत निर्माण उद्योग लुसाका ये भी गलत है वायु या निर्माण उद्योग फ्लोरेंस ये भी गलत है सिएटल वगैरह होगा और ला लाह इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग अभी हमने पढ़ा था ये सही है वाला होगा अब देखिए यहां पर तीस शब्दों वाले प्रश्न है इसमें टिप्पणी लिखनी उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जैसा कि अभी हमने पढ़ा है इस पर तीस शब्दों में कुछ लिखिए विनिर्माण उद्योग के बारे में लिखिए स्वच्छंद उद्योग के बारे में कुछ लिखिए और 150 शब्दों के उत्तर हैं प्राथमिक और द्वितीय गतिविधियों में अंतर क्या है ये अंतर लिखना प्राथमिक और द्वितीय गतिविधियों में जैसा कि प्राथमिक वाला हमने अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के दो वीडियोज हैं उसके उसको देखिए प्राथमिक का पूरा समझ में आ जाएगा और द्वितीय गतिविधियां तीनों वीडियोज में कवर हो गए तो इसको आप दोनों में अंतर लिखिए विश्व के विकसित देशों में के उद्योगों के संदर्भ में आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की मुख्य प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए ठीक है और तीसरा प्रश्न है अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों के परिधि क्षेत्र में ही क्यों विकसित हो रहे हैं व्याख्या कीजिए अधिकतर देशों में जो उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योग हैं वो महानगरों के परिधेनी महानगरों ये महानगर है महानगर चारो के चारों तरफ क्यों विकसित हो रहे हैं तो इसकी व्याख्या करनी है अफ्रीका में अपरिमित प्राकृतिक संसाधन है अफ्रीका में बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन है फिर भी औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा महाद्वीप है समीक्षा करनी है आपको अब देखिए वहाँ पर एक तो एक्सेसिबिलिटी एकसे, एकसे, अच्छी नहीं है वहाँ पर यातायात साधन अच्छे नहीं बहुत पिछड़ा महाद्वीप है इसलिए अंधकार का महाद्वीप भी कहा जाता है तो इसलिए अधिक प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद भी वो बहुत पिछड़ा हुआ है तो इसको आपको करना है तो इस इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये द्वितीय क्रियाएं नामक छठा चैप्टर आज पूर्ण होता है और इस एक बार दोबारा हम आपको याद दिलाना चाहेंगे हमारे चैनल एकेडमिक ज्ञान सेतु को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि की वीडियो बनाते ही तत्काल आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप पहले व्यूवर हों जो इस वीडियो को देखें और इसके अलावा आपने देख आपको एक और नया मेरा चैनल चालू हुआ है एन सी आर टी विथ राजेंद्र सर तो इसको जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ से आपको नवी और दसवीं क्लास के एन सी आर टी की, की वीडियोज़ मिलेंगे इससे बहुत हेल्प मिलेगा आपको इसी के साथ जय हिंद जय भारत थैंक यू फॉर वॉचिंग